हमीरपुर जिला में कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाए गए स्पीड ब्रेकर काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। विभाग का काफी विरोध किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि स्पीड ब्रेकरों की हाइट ज्यादा होने से दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहनों के चालकों को अपने वाहन निकालने में काफी परेशानी आ रही है। अब विभाग द्वारा लगाए गए स्पीड ब्रेकरों को रात के अंधेरे में फिर से उखाड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा जो धरातल पर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। प्रशासन से मांग की जा रही है कि इन स्पीड ब्रेकरों की हाइट को कम किया जाए तथा दो की जगह एक ही स्पीड ब्रेकर को लगाया जाए। मनोज कुमार का कहना है कि दो तीन दिन पहले बस स्टैंड के बाहर सड़क पर जो स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वाहन चालकों को अपने वाहन निकालने में काफी परेशानी आ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन स्पीड ब्रेकरों की हाइट को कम किया जाए व दो की जगह एक ही स्पीड ब्रेकर लगाया जाए ताकि चालकों को वाहन निकालने में परेशानी न आए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो दो तीन दिन पहले रोड में स्पीड ब्रेकर लगाए गए, एक तो उनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से गाड़ी को लंबा जंप दे रही है, तो जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और इसमें लोग अपनी गाड़ी स्पीड ब्रेकर कराने से पहले लोग अपनी गाड़ी धीरे कर रहे हैं जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और हमारी गाड़ियों के टाइम भी फेल हो रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जैसे जहाँ पर दो स्पीड ब्रेकर लगाएं उनको एक किए जाए और उनकी थोड़ी हाइट जो है वो भी कम करी जाए जिससे कि लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम मनोज कुमार है।